आज मैं आपको एक ऐसी कविता पढ़ाने जा रही हूँ जिसको पढ़कर पता है आप एकदम अंदर से इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी परिस्थिति आए, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं आगे बढ़ते जाऊंगा, है ना। जैसा कि अभी देखो किसी हार्ड सिचुएशन चल रहा है, कोरोना का पीरियड चल रहा है, ओके, तो इस कविता से आपको ये सीख मिलेगी कि किसी भी प्रॉब्लम से घबराना नहीं है। सब कुछ आप कोरोना से के शिकार भी हो जाते हो तो क्या करना है, घबराना नहीं है, है ना। हम लोग क्या है, अगर हमारा इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है, अगर हमें ये विश्वास है कि हम लोग ठीक हो जाएंगे तो हम लोग ठीक हो जाएंगे, है ना। चाहे आपके पेरेंट्स या किसी रिलेटिव क्यों ना हो जाए, लेकिन हम लोगों को घबराना नहीं है ना। ये समझना है कि हार्ड समय जो निकल जाएगा, हमारे अंदर का साहस, हमारे अंदर की जो लड़ने की शक्ति है ना, वो हमें हर परिस्थिति पे जीत दिलाती है, ठीक है। तो आज जो हम लोग कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है तूफानों की ओर। देखो आपको शीर्षक से ही पता चल रहा है कि आप किस ओर जा रहे हो, तूफानों की ओर जा रहे हो। मतलब ऐसा मतलब नहीं है कि समुद्र में तूफान उठ रही और आप उधर जा रहे हो। यहाँ तूफानों से मतलब जो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, मुश्किलें आती हैं, विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, उससे मतलब है, ठीक है। सबसे पहले आप ये जानो कि तूफानों की ओर शीर्षक कविता को लिखा किसने है। तूफानों की ओर कविता के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन, ठीक है। और शिवमंगल सिंह सुमन ने इस कविता में आपको बहुत अच्छा संदेश दिया है बेटा कि क्या करना है। कि शिवमंगल सिंह सुमन का कहना है कि जो हमारे जीवन में कितनी भी खराब परिस्थितियाँ क्यों नहीं आए, हमें क्या करना है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। उन्होंने क्या कहा है कि सदा संघर्षरत रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। आपको हमेशा संघर्षरत रहकर मतलब क्या करना है कि आपको स्ट्रगल करते रहना है अपने लाइफ में, कभी भी हार नहीं मानना है। अगर आप स्ट्रगल करते रहोगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहोगे तो आप अपनी मंजिल को जरूर पा लोगे। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता, आपको पता है ना कि जो सोना हम लोगों को मिलता है वो क्या होता है, वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है। क्या होता है कि जब उसे हम लोग आग में जलाते हैं, बहुत सारे धातु के साथ मिक्स करते हैं, तब जाके सोने की ज्वेलरी बनती है। उसी प्रकार कवि का कहना है कि हम भी कब निखरते हैं, हम कब अच्छे बनते हैं, जब हम बाधाओं से लड़ते हैं, हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें आती है, तब क्या होता है कि हम और मजबूत बनते हैं और अच्छे दिखते हैं, ठीक है। बाधाएं हमें क्या करती है, जीने की नई राह दिखाती है, ठीक है, और आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती है। बाधाएं क्या करती है कि हमेशा जीने का कोई नया राह दिखा जाती है और हमारे इरादों को क्या करती है, मजबूत करती है। जब हमारे सामने मुश्किलें आती हैं, बाधाएं होती हैं, तो हम और मजबूत हो जाते हैं कि मैं इस कार्य को करूँगा, होगा होगा ही, ठीक है। अगर आप क्लास में होते तो मैं आपको वो स्मार्ट बोर्ड पर ये स्टोरी भी दिखा देती और आपको बोलती कि बच्चे मिलकर इसे गाओ, बहुत मजा आता, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं हो सकता है, हम लोग तो ऑनलाइन क्लासेस में हैं। बट डोंट वरी, व्हेन वी विल मीट ना, वी विल सिंग टुगेदर दिस सॉन्ग, ओके। चलो अभी हम लोग आगे बढ़ें। देखो आप सामने पिक्चर कितना अच्छा है, देखो सामने ये समुद्र में तूफान उठ रहा है, लेकिन ये जो नाविक है, नाव चलाने वाला, घबरा नहीं रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है ना। कितना अच्छा पिक्चर कवि ने इसके साथ क्या किया है, जोड़ा है, देखो, है ना। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक नीच पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है। पहले मैं रीडिंग कर लेती हूँ फिर एक्सप्लेन करूँगी। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक नीच पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है। लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक नीच पतवार, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधर में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी ना मानी हार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उनका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। एक यहाँ पे आपकी कविता खत्म हो रही है, ठीक है। अब इसका शब्दार्थ समझो। शुरू के चार लाइन मैं एक साथ पढ़ूंगी और चार चार लाइन का मैं अर्थ आपको समझाती चलूंगी। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार,
आज सिंधु ने विश्व उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। अब देखो यहाँ पे नाविक किसे कहा गया है, हम लोगों को मनुष्य को बोला गया है, निज पतवार मतलब अपनी जिंदगी को, ठीक है, बोल रहा है कि हे नाविक, जीवन की नाय जीवन का जो नाव चलाने वाले मनुष्य, क्या करो कि अपनी नाव को तुम क्या करो तूफानों की ओर घुमा दो। मतलब मुसीबत अगर तुम्हारे ज़िंदगी में आ रही है तो उसे घबराओ मत और आगे बढ़ो, ठीक है। आज सिंधु ने भी शुगला है, लहरों का जवान मचला है, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि आज समुद्र ने क्या किया है, विश्व उगला है, और ये जो लहरें हैं ना, समुद्र की लहरें जैसे होते हैं कि ये बहुत यौवन आ गया उसमें, तो बहुत आगे बढ़ती चली आ रही है, ठीक है। आज चाहे हृदय हो चाहे समुद्र, दोनों में क्या हुआ है, तूफान मचा हुआ है, साथ उठा है ज्वार, ठीक है। हृदय और तूफान, हृदय और समुद्र दोनों में साथ साथ तूफान उठा है। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, कवि इस भक्तियों के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि हे नाविक मनुष्य, अगर तुम्हारे ज़िंदगी में तूफानों का दौर आ गया है, परिस्थितियाँ ताप विपरीत हो गई हैं, तो आप तो क्या करना है कि तुम्हें घबराना नहीं है, ठीक है। तुम क्या करो कि सिंधु ने भी सुगला है, मतलब मान लो कि तुम्हारे ज़िंदगी में कठिन परिस्थितियाँ आ गई हैं, बाधाएँ आ गई हैं, तो जिस तरह की समुद्र में तूफान उठने से समुद्र घबराता नहीं है, उसी प्रकार क्या करो कि तुम्हारे हृदय में भी कितना भी संघर्ष हो, तुम्हारे हृदय में बहुत सारे अप्स एंड डाउन चल रहे हैं कि समस्या से कैसे निकलूंगा मैं, ये समस्या कैसे आ गई मेरे सामने, लेकिन तुम्हें क्या करना है कि जिस तरह समुद्र की जो लहरें हैं वो घबराती नहीं है तूफानों से, उसी प्रकार तुम्हें क्या करना है कि इन बाधाओं को पार कर लेना है। तब सारी परिस्थितियाँ तुम्हारे विपरीत ही क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम अपने मन में ये निश्चय रखोगे कि मैं इस बाधा को पार कर जाऊँगा, तो आप इस बाधा को क्या करोगे, पार कर जाओगे, ठीक है। देखो बेटा, सिंधु ने विश्व उगला, मतलब यहाँ पे समुद्र और लहरों के सहारे मनुष्य, समुद्र और लहरों के बहाने कवि ने हमारी ज़िंदगी की तुलना समुद्र से की है, और लहरों की तुलना ज़िंदगी में आने वाली परिस्थितियों, विपरीत परिस्थितियों, मुश्किलों से की है, ठीक है। जिस तरह बोल रहे कि समुद्र में जैसे तूफान उठा, उसी तरह आज हमारे हृदय में भी तूफान उठाए, क्योंकि जब मुश्किलें आती हैं तो हमारे मन में कितना उथल पुथल मच जाता है ना, क्या करूं क्या ना करूं, कैसे इस परिस्थिति से निपटूं, इस तरह की बातें, ठीक है। तो अगर अब क्वेश्चन आए कि ज्वार कहाँ उठा है, मतलब क्या है कि हृदय में होता है ना जो बहुत सारे अप्स एंड डाउन होते हैं, उसी को यहाँ पे ज्वार कहा गया है, तो सिंधु और हृदय दोनों में एक साथ ज्वार उठा है, ठीक है। ज्वार मतलब वही जो मजबूत मजबूत लहरें होती है ना, उसी को कहा गया, ठीक है। आपको पता है ना, अमावस्या पूर्णिमा के दिन समुद्र की लहरें बहुत तेज़ हो जाती है ना, बोलते हैं कि समुद्र में ज्वार आता है ना, उसी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट फोर लाइन, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निष्पतवार, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधर में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। अब देखो इस पंक्तियों के द्वारा कवि ये कह रहे हैं कि जिस तरह लहरों के स्वर में कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आवाज़ होती है, जब लहरें आती हैं, आप कभी समुद्र के साइड गए होंगे तो पता ना, ऐसा नहीं है कि लहरें कुछ बोलती है, लेकिन उनमें आवाज़ होती है, तेज़ लहरें हो तो तेज़ आवाज़ होती है, कम लहरें हो तो कम आवाज़ होती हैं। बोलते किसी तरह तुम्हारे जीवन में जब कोई तूफान आ जाए, कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, तो घबराओ मत, क्या करो इस अंधर में, मतलब इस तूफान में, मतलब इस विपरीत परिस्थिति में अपने साहस को तोलो, तुम कितने साहसी हो, तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है समस्याओं से निपटने की, तुम में कितना पेशेंस है। ये वो समय होता है जब हम अपने अंदर के पेशेंस को, हम अपने अंदर के साहस को तोलते हैं। ऐसा मौका ज़िंदगी में क्या होता है कि कभी कभी मिलता है कि तूफ़ानों का प्यार, मतलब हमारे ज़िंदगी में मुश्किलें मुसीबतें कभी कभी ही आती है, तो जब अगर तुम्हारे लाइफ में ज़िंदगी में ये मुसीबतें मुश्किलें आई हैं तो घबराओ मत, ठीक है, अपने साहस को तोलो, है ना। ये मुश्किलें किसी रूप में भी हो सकती है बेटा, ठीक है, चाहे आप कोई समस्या, चाहे आप बीमार हो जाए, चाहे आपको किसी दोस्त का साथ छूट जाए, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, लेकिन क्या करना है आपको, इस मुश्किल से अपने साहस को तोलना है कि आप कितने साहसी हो, समस्याओं को कितने
पॉजिटिवली लेते हो और निकलते हो ये आप पे डिपेंड करता है। अब देखो मुसीबतें हमारे लाइफ में कभी कभी ही आती है ना, लेकिन ये वो मौका है जब आती है तो आप अपने अंदर को तौलते हो, चाहे कितने मजबूत हो और मुसीबतों से निपटने में कितना सामर्थ्य रखते हो। ठीक है, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी ना हार मानी। अब देखो जिस तरह आपको पता है ना कि सागर का कोई अंत नहीं होता है, कोई सीमा नहीं होता है ना, इस फिर भी लहरें उठती है ना, उसी तरह बोलते हैं कि हे मिट्टी के पुतले। आपको पता ना हम लोगों का शरीर मिट्टी का बना हुआ है, नश्वर शरीर है, हम लोग अंतिम में कहाँ मिल जाएंगे, इसी पृथ्वी के मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए कवि ने यह मनुष्य को मिट्टी के पुतला कहकर पुकारा है। बोला कि सागर को भी बता दो कि जिस तरह सागर तुम तूफान से कभी नहीं हार मानते हो, उसी तरह ये जो हम जो मिट्टी के पुतले हैं कभी भी अपनी मुसीबतों से हार नहीं मानते हैं, जब तक कि हम इन मुसीबतों को हरा ना दें। ठीक है, तूफानों की ओर घुमा दो नाभिक निष्पतवार, जो तूफान जिंदगी में आया है उस ओर मुड़ चलो, उसे घबरा कर मुँह मोड़ कर कोई फायदा नहीं है। आपको पता है कि सपोज़ आपके रूम में लाइट नहीं है, आप आंखें बंद कर लो तो ऐसा अज्यूम नहीं कर सकते हो कि लाइट आ गई, हाँ आपको कोई कैंडल या कोई दीप जलाना पड़ता है ताकि उजाला हो। तो अगर हम मुसीबतों से भाग जाएं तो उसका सलूशन नहीं निकलेगा। हमें मुसीबतों की ओर जाकर, अगर मुसीबत आई है तो आपको मुसीबतों का सामना करके उसको हराना ही बुद्धिमान। सागर की अपनी क्षमता है, परमा जी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। अब बताओ कि जब कोई नाविक समुद्र या नदी में चलता है तो क्या उसे उसकी गहराई का मेजरमेंट होता है, पता होता है, नहीं होता है, फिर भी वो जब तक अपने मंजिल की ओर पहुंच ना जाए वो थकता नहीं है, है ना, उसके हाथ कभी नहीं रुकते हैं अपने पतवार की ओर, तब तक वो पतवार चलाता जाता है। पतवार किसे कहते हैं, जो नाव में बैठकर जो पानी को पीछे ढकेलने के लिए जो डंडे का उपयोग होता है ना, उसे ही पतवार कहते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि जिस तरह नाविक है जिसे अपनी नदी या समुद्र की सीमा कितनी गहराई का ध्यान नहीं होता है, लेकिन वो अपनी पतवार तब तक चलाते रहता है जब तक कि उसके हाथों में ताकत होती है, जब तक उसके जान में जान होती है, जब तक वो मंजिल को नहीं पा जाता है। उसी तरह तुम्हें भी अपनी मुसीबतों से क्या करना है, हारना नहीं है, तब तक चलते जाना है जब तक कि तुम अपनी मंजिल को पार ना कर लो। ठीक है, इसके बल पर ही कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। ठीक है, वही मनुष्य है जो कितने समुद्र को आपने पढ़ा होगा कि इन्होंने इस समुद्र को पार किया, उन्होंने इस समुद्र को पार किया, तो किससे पार किया, अपने अंदर के विश्वास से, अपने निश्चयता से। आपने अरुणिमा सिन्हा के बारे में भी सुना कि उनके पैर नहीं थे, फिर भी उन्होंने सात महाद्वीपों में पाँच जो माउंटेन है उसकी चढ़ाई कर ली, दो बचाए है ना। तो ये सब किसकी क्यों पॉसिबल हुआ, उनके अंदर के आत्मविश्वास के कारण है ना, मुसीबतों से नहीं घबराने के कारण। ये सारी बातें सिर्फ बोलने वाली नहीं है, अगर आप महसूस करो, अगर आप सचमुच किसी समस्या में फंस गए हो तो अपने आप को शक्तिशाली बनाओ कि गिव अप ना करो, तभी आप वास्तविक मानव कहलाओगे। ठीक है, जैसे मंगल सिंह सुमन ने इस कविता के माध्यम को आज से आपको यही सारी बातें क्या की है, समझाने की कोशिश की है कि आप कभी भी हारो मत, कभी भी थको मत, है ना, जिंदगी के चुनाव है हमेशा आगे बढ़ने का ही आगे बढ़ने का ही नाम है। ठीक है, अब देखो मैं इसका अर्थ आपको फिर से इसका मूला भाव समझाती हूँ कि अगर आपको मूला भाव बताना हो इस कविता का तो क्या कहोगे, कि प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य को हमेशा संघर्षरत रहकर, मतलब कि हमेशा स्ट्रगल करते हुए और परिश्रम करते रहने की प्रेरणा दी है, कभी भी गिव अप करने की बात नहीं की है। ठीक है, आपके मार्ग में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, कितनी भी मुसीबतें आए, क्या कहा है कि उन सभी का धैर्य और साहस से क्या करना है, सामना करना है। ठीक है, क्योंकि जब हम इन बाधाओं को पार करेंगे तभी हमारे जीवन में एक नई शुरुआत आएगी या फिर एक नए युग का निर्माण होगा। ठीक है, अभी देखो आप अगर आप कि इस कविता में कवि ने किसको प्रेरणा दी है, तब क्या बोलोगे, इस कविता में कवि ने हम मनुष्यों को प्रेरणा दी है। क्या प्रेरणा दी है, कि कभी भी तूफानों से घबराना नहीं है, हमेशा क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अभी मैं आपको इसका शब्दार्थ समझाती हूँ, ठीक है। देखो नाविक, नाविक का मतलब होता है नाव चलाने वाला, क्या होता है नाव चलाने वाला, ठीक है। फिर अंधर का मतलब क्या होता है आंधी, आंधी मतलब अंधर। यहाँ पे हवा वाली आंधी की बात नहीं की गई है, जो जीवन में हमारे आंधी आ जाती है, विपरीत परिस्थितियाँ आ जाती है, मुसीबतें आ जाती है, ये उस आंधी की बात की गई है, ठीक है। बल पर यानी सहारे, बल पर मतलब सहारे, आप अगर किसी के बल पर कोई काम करते हो तो बोलते हैं कि मैंने इसके बल पे यह काम किया, ठीक है। जिस तरह साहस के बल पर आप क्या कर सकते हो, जीवन की मुसीबतों को दूर कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। ज्वार का अर्थ होता है समुद्र के जल का वेग पूर्वक ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं। जो लहरें उठती है ना, लेकिन जब बहुत जोर की लहरें उठती है उसमें बहुत ज़्यादा स्पीड होता है तो उसको ज्वार कहते हैं। ये लहरें इतनी ताकतवर होती हैं कि किनारे में बैठे हुए किसी मनुष्य को क्या करती है, अपने साथ आगे बढ़ाकर ले जाने का भी ताकत रखती है, ठीक है। स्पंदन, स्पंदन मतलब होता है चेतना या धड़कन। जब तक हमारी सांसें चलती है ना, यह उसको बोलते हैं चेतना या स्पंदन, मतलब जब तक हम जिंदा हैं उसको बोलते हैं कि इनमें चेतना है या फिर धड़कन चल रही है, ठीक है। पतवार का अर्थ होता है नाव चलाने की तिकोनी लकड़ी। आपने देखा होगा ना, कभी भी जब कोई बोटिंग करता है तो पानी को ढकेलने के काम एक लकड़ी के डंडे से करते रहते हैं, तो उसको ही क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पतवार बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग पतवार बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो निज, निज मतलब होता है अपना, ठीक है। निज मतलब आज जब अपना आप कोई काम करते हो तो बोलते हैं मैं अपने निज का काम करूँ, मतलब मैं अपना काम कर रहा हूँ, किसका काम कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। क्षमता, क्षमता का अर्थ होता है शक्ति या फिर योग्यता। आपकी कितनी क्षमता है, आपकी कितनी योग्यता है, ये क्या इसका पता आपको कब चलता है, जब आपके जीवन में कोई तूफान आता है। यहाँ क्षमता का मतलब होगा शक्ति या योग्यता। असीम का अर्थ होता है सीमाहीन, ठीक है। जब किसी किसी जब कोई सीमा ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, सीमाहीन, ठीक है। जब कोई सीमा ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, असीम, मतलब सीमा। फिर बोलते हैं ना समुद्र की सीमा रही तो होता है, समुद्र क्या है ना, आपको आदि पता चलेगा ना आपको अंत पता चलेगा, इसलिए उसको सीमाहीन कहते हैं, ठीक है। अब बताओ बेटा, इस जो आपने जो कविता पढ़ी उससे आपको क्या सीख मिली। आपको ये सीख मिली कि हमेशा हमें संघर्षरत रह के परिश्रम करते रहना है ना, और क्या करना है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी घबराना नहीं है, क्या करना है अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमेशा क्या करना है, प्रयास करते रहना है, ठीक है। अभी देखो अब आपको थोड़ा थोड़ा आपको आंसर बताना है, मैं बताती हूँ। अभी आपको यहाँ शुद्ध उच्चारण करना है, जैसे नाविक, ठीक है, जो नौका चलाने वाले हैं तो उनको क्या बोलते हैं, नाविक, ठीक। विष, विष मीन्स क्या होता है, पॉइजन या फिर जहर, क्या होता है, पॉइजन या फिर जहर, पॉइजन या फिर जहर, ठीक। नेक्स्ट है आपका सिंधु, सिंधु पता है आपको क्या, समुद्र का ही पर्यायवाची शब्द सिंधु भी होता है, सागर, समुद्र, जल्दी, ये सब सिंधु यानी समुद्र का ही पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। ज्वार, ज्वार मतलब अभी बता ना कि बहुत वेग से जब लहरें उठती है तो उसको क्या बोलते हैं, ज्वार कहते हैं। अंधर मतलब जो हमारे जिंदगी में तूफान आता है ना उसको ही क्या बोलते हैं, अंधर बोलते हैं, ठीक है। फिर हो गया मिट्टी, मिट्टी मतलब क्या, तो आपको पता ही है मांझी, जो नाव को चलाने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, मांझी कहते हैं, ठीक है। स्पंदन मीन्स गति, या तो आप हृदय की गति समझो या फिर आप दिल की गति समझो, उसको ही स्पंदन बोलते हैं, ठीक है, हार्ट बीट बोलते हो ना वही। अभी देखो आपको सोचो और बताना है, ठीक है। कवि ने नाविक को पतवार किस ओर घुमाने के लिए कहा है, तो आपको याद है मैंने क्या बताया था कि कवि ने नाविक को पतवार उस ओर घुमाने कहा है जहाँ पर मुसीबतें हैं, है ना, तूफान है। तो कवि ने नाविक को पतवार किस ओर घुमाने कहा है, तूफान की ओर पतवार को घुमाने के लिए कहा है। समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है, तो समुद्र ने भयानक रूप धारण किया है। समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है, समुद्र ने भयानक रूप धारण किया है। कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है, अब बताओ, ये तो आपको ही बताया ना,
कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार हम मिट्टी को हमारा शरीर क्या है, ये मिट्टी का बना हुआ है ना, और क्या है कि मिट्टी में ही क्या होते हैं हम लोग, फिर खो जाते, मरने के बाद मिट्टी में ही मिल जाते, इसलिए मिट्टी का पुतला कहा है ना। और दूसरे अर्थ में आप बोलो तो ऐसा भी बोल सकते हो कि जिस तरह मिट्टी होता है ना, उसको जिस साँचे में भी ढालो डल जाता है, जिसी प्रकार मनुष्य भी अगर मुसीबतों से लड़ने का सोच ले, मन में दृढ़ निश्चय हो जाए, तो वो इस काम को कर सकता है, उसी साँचे में ढल सकता है। जिस तरह मिट्टी को किसी साँचे में ढल जाओ, उस तरह मनुष्य भी अपने साँचे में ढल जाते हैं। ठीक है, कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला इसलिए कहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो ग्रामर में देखो, क्रिया के जिस रूप से काम के होने या समय का बोध उसे काल कहते हैं। आपको पता ही है ना, अगर आप अभी कोई कार्य कर रहे हो तो वो वर्तमान काल होता है, अगर आपने कल कोई काम किया था तो भूतकाल हो गया, अगर आप भविष्य में कोई काम करने वाले हो तो भविष्यकाल हो गया। ठीक है, जैसे देखो बच्चे कविता का गान कर रहे हैं, ये हो गया आप कर रहे थे, ये हो गया भविष्य भूतकाल। बच्चे कविता का गान कर रहे हैं, ये हो गया वर्तमान काल। अब बच्चे कविता का गान करेंगे, ये हो गया भविष्यकाल। तो आपको क्या करना है कि ये वाक्य पढ़ पढ़ कर जो सही लगे, जो मतलब सही सही काल आपको बताना है। ठीक है, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, ये हो जाएगा वर्तमान काल, है ना, क्योंकि भविष्यकाल, क्योंकि घुमा दो है ना, इसलिए भविष्यकाल हो जाएगा। सागर की अपनी क्षमता है, ये वर्तमान काल हो जाएगा। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, ये हो गया भूतकाल, है ना। इस संदर्भ में साहस तो लो, ये हो गया आपका भविष्यकाल। ठीक है, और बच्चे आनंद से कविता पढ़ रहे हैं, ये हो गया वर्तमान काल। ठीक है, उसके बाद देखो दिए गए शब्दों में पर्यायवाची शब्द को छाट कर लिखना। सिंधु, मैंने आपको बताया ना अभी, सिंधु सागर का पर्यायवाची शब्द है, तो आप यहाँ सागर लिख दोगे, और दूसरा क्या लिखोगे, समुद्र लिख दोगे, है ना। वायु, वायु का क्या होगा, एक तो आपका समीर हो जाएगा पता ही आपको, दूसरा हवा हो जाएगा। ठीक, मानव का एक मनुष्य हो जाएगा और दूसरा मनुज हो जाएगा, ये सब तो आपको पता है। पत्ता मतलब लीफ, ये एक पर्ण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पत्र हो जाएगा। ठीक, हो गया कंप्लीट। ये देखो मैंने ग्रामर भी कंप्लीट करा दिया अभी आपको बोलकर। नेक्स्ट, अब अगले क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, आई थिंक कि आपका ये आपको ये समझ में आ गई होगी कविता। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके बेटा, बाय, टेक केयर। ओके।